might be the one you really want, and I feel it too. But you don't know what I've been going through. This is when you tell me that you're different. Oi, 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 masti kar, masti kar. भाई बहन कितनी मस्ती करते हैं दोनों हैं। ओहो ओहो, आजा 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 आजा, आएगा आएगा तू, चला आजा। ये जो डॉग है ना, ये ब्लाइंड है, तेरे को बाहर जाना है। चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। ये काम करूँ मैं, बाहर भेजू अंदर भेजू बेटू। वो भले ही मैं मानता हूँ कि उसकी आँख नहीं है और भोकला नहीं है, वो घर दबोच लेगा, दांत है उसके। भी, भी, भी। पकड़ लेगा ना, फिर समझ में आएगा। हाई, पता है यहाँ मुझे गवर्नमेंट की फैसिलिटी बड़ी अच्छी लगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की। हर चीज़ सही तरीके से मैनेज्ड है और सोसाइटी में इतना प्यारा तरह का मैनेजमेंट है ना। हर एक सोसाइटी का अपना गार्डन होता है, जैसे ये वाले सोसाइटी का ये गार्डन है। यहाँ पे बोरिंग होती है, आपको जितना पानी चाहिए उतना पानी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर हर जगह हो ना तो मज़ा आए। बाय बाय। एक्चुअली हम आज जा रहे हैं उज्जैन, हम मतलब मैं और सिर्फ ममता जाएंगे। This is when you try to make me fall, convince me it's true. भाई को अभी जस्ट कॉल स्टार्ट किया है, अभी चल रहा है 1700 RPM। इसको हमको 1400 RPM तक होने देना है, उसके बाद ही हम बाइक को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 1400 RPM हो जाएगा, बाइक रेडी होगी ड्राइव के लिए। चलो, जय महाकाल। अभी राइडिंग जैकेट क्या पहन लिया, गर्मी होने लगी यार। That is why you want me like you do. आ चुके हम सिटी से बाहर और सामने हमारे खड़ी है पुलिस वाले। सो कोई रिस्क नहीं लेना है भैया, फुर्सत से जाएंगे, आराम से जाएंगे। पता चला पकड़ लिया, यहाँ से सीधा है कहाँ पे? अरे हद होती है यार, बात ही नहीं कर लिए। हेलो, अरे बाइक 100 की स्पीड तो ऐसी लेती है कि पूछो मत, फील ही नहीं होता यार कि 100 की स्पीड से मैं जा रहा हूँ। जब नज़र जाती है मीटर की, तब लगता है भाई 100 के ऊपर जा चुके, अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। एक तो हम हैं नए नए, बहुत दिन हुए मतलब बाइक चलाई नहीं यार मैंने। लास्ट जो R15 मैंने सेल करी थी यहाँ से 8-9 साल पहले, उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ मोपेड चलाई है, रजिस्टर्ड बदनावर। और यहाँ से हमने थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज किया है, अभी हम जाएंगे पूनम मासी के पास, मिलेंगे और वहाँ से 16 किलोमीटर रिवर्स आएंगे, फिर जाएंगे उज्जैन। अभी इतने दूर आ गए तो एक बार मिल ही लेते। और जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे ममता ने मुझे अल्टीमेटम दिया था कि 20 मिनट का रास्ता है, कुछ भी करके इसको जल्दी कवर करना। मैंने भाई उसको 11 मिनट में ख़त्म कर दिया, 11 मिनट। शी वाज शॉक्ड, बोलते हैं इतना जल्दी हम आ गए। अगर मिंटू बहन नहीं होती ना और 10 मिनट पहले आ जाता मैं, मेरे को डर लग रहा था कि पीछे के पीछे उड़ना चाहिए हवा में। और एक दो पहले स्टार्टिंग में बैठी, हाँ, अरे मेरे को फीलिंग ही नहीं आ रही। पहले 10 मिनट तो ऐसे लगा कि मेरे को पकड़ के बैठी है, बाद में पीछे पकड़ के बैठी, मैं मिरर में देख रहा हूँ है भी कि नहीं, है भी कि नहीं। उनकी बहन है मैडम की, पूरम मैडम की। बदनावर में स्कूल में आके एकदम VIP ट्रीटमेंट मिलती है, जैसे बोल दिया बहन है मैडम के, प्रिंसिपल मैडम के बहन। ओके जी, नो प्रॉब्लम। रीच्ड एट उज्जैन। रोड यार ठीक ठाक था, नॉट सो गुड, क्योंकि वन साइड रोड था, ऑब्वियसली दिक्कत तो जाती है यार। और ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि रोड एकदम नीट एंड क्लीन था, पैची था, बहुत सी जगह गड्ढे भी थे। मैक्सिमम टाइम तो स्पीड मुझे 40-30 की मेंटेन करनी पड़ी। कभी कभार 1-2 किलोमीटर का पल्ला ऐसा था जहाँ पे मैं 80-90 क्रॉस कर रहा था, बाकी अरे यार सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पता है स्पोर्ट्स बाइक को ऐसे ट्रैफिक वाले जगह पे चलाने में। R15 थी तब भी मैं बहुत इरीटेट हुआ करता था, अब तो भाई साहब CVR है, वेट बहुत ज़्यादा है, शूज़ स्लिप हो रहे। अगली बार मैं भाई कर क्या रहा है बेटा, ज़रा धीरे गाड़ी भग जाएगी आगे। हाँ उसको लग रहा है मैं पुश कर रहा हूँ। ओले मार, दम लगा। अहो गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी और अभी हम यहाँ से लेंगे प्रसाद और निकलेंगे अंदर। इतना परेशान हुए ना ट्रैफिक जाम में कि पूछो मत। हाँ भैया, कितना का पड़ रहा है अपने को मामला पूछो? ये गाड़ी कितने 5 समथिंग में जाता है, 5-6 केस में गए उसमें? नहीं भैया, कहाँ से कहाँ होएगा फिर, थोड़ा बहुत लोन कर लो। लोगों की एक्साइटमेंट रहती है, लोग पूछते हैं भैया भाई कितने में गाड़ी ली, क्या ली, अब इसमें क्या है अपना। आई वाज थिंकिंग कि 12 बोले
क्यों मारा बोले मेरे को बता। सीजनल प्राइस बोलने के बाद लोगों का नजरिया चेंज, वो इतनी महंगी है देखते क्या है। हाँ फिर वो जानबूझ के गाड़ी करेंगे, फिर पता नहीं उसकी नजरें कहीं पलट जाए, पीछे पीछे आए रिस्क ले। तो मेरे को बोलो ना, इससे अच्छा कि प्राइस ही मत बताओ, जो भी है उसके आधी बता दो किस्सा खत्म करो। I just have to make sure that you know. Would you be there for me if I'm flying straight into the sun? वीडियोस और फोटोज सनसेट और सनराइज के समय बहुत प्यारे आते हैं, बहुत ही प्यारे, क्योंकि एक गोल्डन टाइम होता है, पूरे सनराइज गोल्डन लाइट की तरह रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। एक्चुअली ना हम थक चुके हैं, तो यहाँ ग्रीनरी है, अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई खाना ला दे, थोड़ी देर बैठे रेस्ट करे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते तो और मज़ा आ जाता। कहाँ छोड़ती है भैया? उस लास्ट पॉइंट पे क्या कॉन्फॉर्म में चले तो गए हम लोग उस गाड़ी में बैठने के लिए, वहाँ जाकर पता चला कि ये सिर्फ जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए और एल्डर पर्सन है उनके लिए। कोई नहीं, मैं सोचता था कि फटाक से उस लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, लास्ट पॉइंट पे जाके फिर पैदल पैदल आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। जहाँ पे वो जो भी छोले टिक्के वगैरह खा रहे थे, अंदर बैठ गए गाड़ी वाले के पास। एक्चुअली वो दोनों शॉप वाले अलग थे, चाय वाले भैया अलग थे, तो जैसे हम बैठे वैसे फटाफट लोग वहाँ पे आने, सबको निकाल दिया भाई ने, सबको निकाल दिया, हमको लोग हमको भी निकाल देगा। मैंने फटाक से भैया की तारीफ की, भैया क्या चाय बनाया आपने, एक नंबर। बोलता है बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, आपको नहीं बोल रहा, वो भी समझ गया। Just remember the flame, you remember the flame. जैसे जैसे लाइट्स चालू हुए ना, तो मज़ा आने लगा सच में। जो एनर्जी डाउन हुई थी वो पूरी पंप हो गई है। इसके अपोजिट में पूरे स्टैचूज बने हुए, आगे रावण की भी मूर्ति है, जाते समय दिखाऊंगा। ये सेमी सर्कल भी नहीं है, जस्ट एक ऐसा शॉर्ट सी में बना हुआ है, कर में बना हुआ है, ये पूरा सर्कल नहीं है। लगा शायद इसके ऊपर कितने क्षेत्र, चलो हाँ चलो ठीक है, अगर ये सर्कल निकला तो मैं तुमको आईफोन दिला दूंगा, और अगर नहीं निकला तो लगा शायद। हाँ मतलब दोनों तरफ अपना ही विन विन है, मैं वाला दिलाओगे ये तुम ले लोगे। वाह भाई वाह। ये जो वॉल है इतनी प्यारी प्यारी क्यों दिख रही है, ये सिर्फ कमाल है लाइट्स का, वार्म येलो लाइट, ये इतने गजब होते हैं ना, इतने गजब। मैंने मेरे जिम में भी ये लगा रखे, जहाँ कहीं भी ये वार्म येलो लाइट लिखते हैं बहुत ही प्यारा दिखता है यार। अब यार एक प्रॉब्लम हो गई, मैं वहाँ पे गया था वॉशरूम में, तब मेरे को प्रेशर नहीं आया, प्रेशर आ रहा है। अब यहाँ से वॉशरूम बहुत दूर है यार, अब जाके रिटर्न आना पुराएगा भी नहीं, तो अभी हम होल्ड करके रखेंगे, सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे भर के फटाफट, और जितना भी भरा हुआ है वहाँ जाके खाली कर देंगे। और वो भी ये चींटी जैसे चाल लेते हुए। अब देखो मेहनत कैसे रंग लाती है। अरे तुम लोग इसमें क्या देख रहे हो, सिनेमैटिक स्टाइल में देख लो, जाओ प्यारा प्यारा ठंडा लग रहा है ना अभी, मतलब वो गर्मी से जस्ट हम ठंडी की ओर जब बढ़ते एकदम जैसी गुलाबी सी ठंड लगती है वैसे ही लग रहा है। लेकिन ये भी फीलिंग आ रही है कि बहुत जल्दी अभी मुझे सर्दी होने वाली है, और जाते समय अच्छी खासी ठंड बजने वाली है, क्योंकि अभी सिर्फ बजे शाम के 6, सोच के भी डर लग रहा है कि जाते समय क्या ही हालत होने वाली है हमारी। दो कलर में जो चेंजिंग का टाइम ड्यूरेशन है ना बहुत ज़्यादा है, इससे पास एक ही चीज़ हो सकती है, वीडियो का रंग बदलना, और कुछ भी नहीं हो सकता। चलो अबे जा भी, कोई सर्च नहीं आ रहा, मैं ये है ही नहीं सर्कल, चलिए वहाँ सर्च है छक। ये बताया यार ऐसा हमेशा क्यों होता है, मतलब जो भी एकदम यूनिक जगह होती है ना वहाँ मेरे को टाइम कम पड़ जाता है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में ख़त्म करो, कैसे पॉसिबल है यार। रावण वापस आएगा ही आएगा, रावण के 10 मुंह थे, वो 10 मुंह जब तक कटेंगे नहीं तब तक वापस आएगा, और जब तक प्रभु श्री राम उसके नाभि में छेद करेंगे नहीं तब तक वो
जाएगा नहीं। ये जो गणपति जी है इनको देख के ना मेरे को सच्चे दिल से मेरे चीकू की याद आ रही है। बिल्कुल मेरे चीकू ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है ना मेरे चीकू। ओए 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 मस्ती खोर। अरे यार हद होती है, मतलब अबे इतना बड़ा गार्डन दे रखा है, धर दबोच लेगा पापा करके। एक बात बताओ, नहीं अब जजमेंट कौन देंगे? हमारे व्यूअर्स देंगे। भाई साहब ये जो कॉरिडोर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सो इस पॉइंट से एक मिनट, नहीं इसी उंगली को पीछे क्यों करना है? हाँ ठीक है चलो, अरे ठीक हो, ये उंगली को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से आए हम लोग, यहाँ से आते हुए ये पॉइंट यहाँ खत्म हो जा रहा है। थोड़ा आगे क्यों? अच्छा ये, अच्छा चलो यहाँ से ये स्टार्ट है। हाँ ये स्टार्ट है, इतना नहीं, ये कैमरे में आपको दिख रहा है इतना सा, भाई ये इतना नहीं, कम से कम है ना 400 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये सर्कल हुआ, हद होती है अगर सर्कल हुआ। आप लोग डिसाइड करो कौन जीता भाई, है ना, इतिहास गवाह है, लेडीज से कोई जीत नहीं सकता। बट ठीक है आप डिसाइड कर लो कौन सही है कौन गलत है। अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं, बहुत लेट हो गया और ठंड भी अच्छी खासी बज रही है। तो मम्मी जी ने फोन उठाया, बोले चीकू थोड़ा सा रो रहा था, अब वो सोने गया। तो अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है कोई सिनेमैटिक शॉट्स लेने का या फिर कुछ व्लॉग करने का। अभी हम फटाफट निकलते हैं, प्लेस बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। बट टू बी ऑनेस्ट, आज की जनरेशन की बात करें, मतलब आज जो भी हो रहा है इंडिया में बहुत ही गजब हो रहा है। हर टूरिस्ट प्लेस को, हर देवस्थान को इतने बढ़िया तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि लोग वहाँ जाके कुछ टाइम बिताना चाहते हैं। और यही चीज़ चाहिए अगर इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को डेवलप होना है। तो जब तक हम ऐसे प्लेस पर टूरिस्ट को होल्ड करके रखेंगे नहीं, जब तक वहाँ पर उन लोगों को कुछ समय बिताने के लिए मजबूर नहीं करेंगे ना, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। अब डेवलपमेंट कैसी होगी, सीधी सी बात है, टूरिस्ट वहाँ आएंगे, रुकेंगे, हॉल करेंगे, फिर थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी तो करेंगे। तो यही चीज़ें तो बढ़ेंगी ना। इनकम किसको मिलेगी? गवर्नमेंट को मिलेगी। बेनिफिट किसका होगा? इंडिया का होगा। ये मेरे पीछे अभी रावण का स्टैचू है। कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि रावण का स्टैचू क्यों है, कुछ लोग बोलते हैं कि रावण की मूर्ति है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को रावण की एक साइड पता है, बट ऑनेस्टली देखा जाए तो रावण शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनका भी कुछ बनता है, सबसे बड़े भक्त। और मुझे जहाँ तक पता है कि शायद यूपी में कहीं रावण का मंदिर भी है, एक जगह कहीं तो है। चिकू को भूख लगी, खा लो। सब लोग बैठ गए, टीवी देखो, सब लोग भी लोग नहीं देखते। चिकू चिकू पापा को दे दो, पापा चिकू आप भी खा लो, लव यू। Forget all about that tonight. Just remember the flame. You remember the flame. All right.